तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 10। यहां पे x पावर में है, तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 टू द पावर x प्लस 2 को ब्रेक करेंगे एज 3 टू द पावर x इंटू 3 स्क्वेयर्ड, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि a टू द पावर x प्लस y कैन बी रिटन एज a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। उसके बाद हम 3 टू द पावर माइनस x को लिखेंगे एज 1 बाई 3 टू द पावर x, बिकॉज वी नो दैट a टू द पावर माइनस x कैन बी रिटन एज 1 बाई a टू द पावर x इक्वल टू 10। अब यहां पे हम लोग 3 टू द पावर x को कोई और वेरिएबल असाइन करेंगे, लेट से फॉर एग्जाम्पल y। सो लेट y इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा y इंटू 3 स्क्वेयर मतलब 9y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 10। अब हम लोग y को लेंगे एज LCM, या फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि y से हम लोग पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 9y स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 10y। इसे हम लोग को मिलता है 9y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सिंपल मिड टर्म ब्रेक से इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 9y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9y इंटू y माइनस 1 माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड हम लोग को दूसरा चीज ये मिलेगा कि y माइनस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 9y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे हमको मिलेगा y इक्वल टू 1 बाई 9 एंड यहां पे हमको मिलेगा y इक्वल टू 1। अब हम लोग y को फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमने 3 टू द पावर x को y लिया था, तो अब y की जगह फिर से हम 3 टू द पावर x डालेंगे। सो 3 टू द पावर x एंड अगर हम 1 बाई 9 को 3 के टर्म्स में करेंगे तो वो हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 2, बिकॉज 9 इज 3 स्क्वेयर एंड 1 बाई 3 स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं एज 3 टू द पावर माइनस 2। या फिर अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा 3 टू द पावर x इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं एज 3 टू द पावर 0। तो इन दो इक्वेशन से इससे हमको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड इससे हमको मिलेगा x इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इन अ वेरी सिंपल वे दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन।